स्कूल में एक बार सर के स्टूडेंट आए थे, वो एक कर्नल थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे कितना कष्ट लेके मैं कर्नल बनाऊं, तो उसी से जुनून मिल गया कि कर्नल बने। मैंने एक बॉर्डर मूवी है उसके अंदर, उसको देख के मैंने ये सोचा था कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। नमस्कार, मैं विक्रम थे देख रहे हो रंगीलो झुंझुनू। अभी मौजूद हूँ अजमेर मिलिट्री स्कूल में, और जगह पीछे टीम थाने दिखाई दे रही है, यह भविष्य का बेटा बरहीज का अपने देश की रक्षा के लिए सेना में जाएगी और कठिन कठे उच्च पदों पर देश की रक्षा के लिए काम करेगा। बात कर लूँ कि अभी जगह सैनिक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया जगह एग्जाम हुए भी कमाऊँ आपने झुंझुनू की गुड्डागोड़ जी कमा जी एक संस्थान है मंगलम एकेडमी भी। मंगलम एकेडमी का 21 टाबर ही बाजा इंटरव्यू देना पूछे, एक बड़ी बात ई कारण है ये 80 जगह टोटल टाबर ही भी कमाऊँ 21 सिर्फ आपने झुंझुनू जिले की जी मंगलम एकेडमी है भी का टाबर ही के मेहनत एकेडमी में करनी पड़िया करती बैठे रहेगी। तैयारी तो बहुत बढ़िया कराता मैं तो, पर शुरू से जो बच्चों पढ़ते वही पास हो तो जो मेहनत करे वही पास हो। अभी जो तारे पूरे तारी जगह एकेडमी है भी हूँ 21 बच्चा एग्जाम क्रेक करके आए हैं और आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, उम्मीद के है कि इंटरव्यू भी फाइट हो जाएगा। हाँ लगभग वो चाह हो जाओ। फिर आगे के सपनों के जदू तैयारी शुरू करी तो के सपनों होगी भैया पके का? मैं आर्मी में बड़ा ऑफिसर बनूँ, देश की सेवा करनी है ना। और भी बच्चे हमारे साथ, आप कैसे हो? मैं युवराज सिंह। हैं जी, युवराज सिंह राठौर। कहाँ से हो? पाली राजस्थान। पाली से। और तैयारी आपने कहाँ की? श्री मंगलम शिक्षा संस्थान। तैयारी कैसी करवाते थे? बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। आज इंटरव्यू है, क्या मन में क्या है कि इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे? आज पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंटरव्यू क्रैक करके जाएंगे यहाँ से। सपना क्या देखा था पहले जब बचपन में बच्चे खेलते कूदते हैं उस टाइम आपने क्या सोचा था कि मैं किस स्तर पर और कहाँ जाऊँगा? मैंने एक बॉर्डर मूवी है उसके अंदर, उसको देख के मैंने ये सोचा था कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। अच्छा, मूवी से इंस्पिरेशन मिला और ये सोच लिया कि मेरे को आर्मी में ही जाना है, तो पूरी ताकत लगाई और जो इंटरव्यू भी क्रैक करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कैसे हो बेटा? मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। और आपने तैयारी कहाँ की? श्री मंगलम शिक्षण संस्थान एकेडमी टोडा गुड्डेगोड़ जी। नाम क्या आपका? कनिष्का शर्मा। और आप कहाँ से हो? बिहार से। तैयारी कहाँ की आपने? श्री मंगलम शिक्षण संस्थान गुड्डेगोड़ जी। एक बात करें, जिस तरीके से कहा जाता है कि बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं हैं और उसी संख्या में जो बेटियां यहां दिखाई दे रही हैं ये इस बात का प्रमाण है। आज आपने एग्ज़ाम फाइट किया और आज इंटरव्यू के लिए आए हो, कॉन्फिडेंस है कि इंटरव्यू भी क्रैक करें? हाँ है, पूरा कॉन्फिडेंस है। बचपन में क्या सपना देखा था? वैसे तो बचपन ही है लेकिन आदमी में जुनून और जो जज्बा होता है वो छोटी सी उम्र से ही हो जाता है, तो क्या देखा था कि क्या मेरे को बनना है क्या करना? हमारे स्कूल में एक बार सर के स्टूडेंट आए थे, वो एक कर्नल थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे कितना कष्ट लेके मैं कर्नल बनाऊं, तो उसी से जुनून मिल गया कि कर्नल बने। पहले से आपके परिवार में पहले से कोई है आर्मी में सेना में कोई है? हाँ मेरे पापा। आपके? मेरे पापा। एक बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से चलता है, अगर किसी के परिवार में कोई सेना में है तो वो अपने बच्चों को भी ये सोचेगा कि मैं सेना में भेजूं, देश की रक्षा के लिए भेजूं। और ख़ास बात जो अब मैं करने वाला था वो ये, बार बार मैं कह रहा हूँ कि झुंझुनू जिला सैनिकों की धरती है और वहाँ की मंगलम अकेडमी जिसने वास्तव में कमाल कर दिखाया, इन 80 बच्चों में से 21 बच्चे उनकी अकेडमी से हैं और उनका एग्ज़ाम वो फाइट करके आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। इन बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं कि ये सफल हों और आने वाले दिनों में झुंझुनू जिले को और अन्य जो प्रदेशों से जो लोग हैं जो बच्चे हैं वो सेना में उच्च पदों पर कार्य करके देश की रक्षा के लिए काम करते रहें। धन्यवाद।